डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इनविटेशन एंड रिप्लाई। अभी तक हम लोगों ने कार्ड फॉर्मेट एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट किया है और रिप्लाई किया है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यू आर मोहन मिहिरा, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू अ क्लोज फ्रेंड टू इन्वाइट हिम to the function at your residence to celebrate your brilliant success in CAT competition। तो यहाँ पे दिया है जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम, और ये क्लियरली बता दिया गया है कि ये इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि लेटर फॉर्म में लिखना है, कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाना है, एक क्लोज फ्रेंड को इस लेटर के साथ बुलाना है। और फंक्शन क्या है? सक्सेस पार्टी है। और कहाँ है? जो इनवाइट कर रहा है उसके रेसिडेंस में। कब पार्टी होगा, वो कौन से दिन है, ये सब डिटेल्स हम लोगों को इन्वेंट करना है क्योंकि वो दिया नहीं है। एड्रेस को भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भेजने वाला है लेटर यानी कि इन्विटेशन, उसका एड्रेस लिखना है सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब भी आपको इमेजिन करके लिखना है। नेक्स्ट डेट लिखना है जिस दिन आप इनविटेशन लिख रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर संजीव, यहाँ पे रेस्पेक्टेड फॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे लिखना है डियर, और उसके बाद में जो भी नाम दिया है वो, या फिर XYZ ABC या फिर कोई नाम। नेक्स्ट, आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एट गुड हेल्थ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू शेयर दैट by the grace of God and everyone, I have cleared CAT examination. To celebrate my success, I want all my dear ones in the celebration. Therefore, I would like to invite you for the same on 20th January 2023, Friday at 3 p.m. Mohan Building, Darjeeling. See you soon, dear. With love, Mohan. तो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने देखा? First of all देखा कि casual, light-hearted language में लेटर को स्टार्ट किया है, और ये अलाउ है ओनली इनफॉर्मल लेटर में। फॉर्मल में आप बहुत ही डायरेक्टली लिखेंगे बिना ताम झाम के। ओके, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करना है, स्टैंडर्ड वोकेबुलरी, स्टैंडर्ड फ्रेजेस यूज़ करना है फॉर्मल में। लेकिन चूँकि ये इनफॉर्मल इन्विटेशन है इसलिए आप कुछ पर्सनल बातें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना मोटिव से डाइवर्ट नहीं होना है। आपको बताना है आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है किस लिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुका है CAT एग्ज़ामिनेशन में। अब देखते हैं कि क्या क्या मेंशन किया गया है। इवेंट मेंशन किया, यस। डेट मेंशन किया, यस। डे, टाइम, एड्रेस, ठीक है, ये सब मेंशन किया, यानी कि ये एक कंप्लीट इनविटेशन है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से इनवाइट करते हैं तो आपको 4 out of 4 मिलना ही है, क्योंकि हम लोगों ने सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, डेट लिख दिया, सैल्यूटेशन लिखा, कंटेंट पैराग्राफ लिखा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा, और कैजुअल क्लोजिंग भी कर लिया। उसके बाद विथ लव यानी कि सिग्नेटरी सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, इसकी वजह से 4 out of 4 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। On behalf of the principal of your school, draft an invitation for the annual sports day to be held on February 20th, 2023 in the school premises. The inaugural ceremony will be performed by the chairman of your school. तो यहाँ पे देखिए principal के behalf में, मतलब उनके behalf में आपको invitation लिखना है। यहाँ पे कहीं पे भी mention नहीं किया गया है कि ये formal invitation है या फिर informal, लेकिन यहाँ पे क्लू दिया गया है एनुअल स्पोर्ट्स डे, यानी कि ये एक फॉर्मल इवेंट है। सबसे पहले होस्ट का नाम होना ज़रूरी है, और होस्ट के नाम में प्रिंसिपल है, यहाँ पे स्टाफ है और टीचर्स। तो इन लोगों के थ्रू इनविटेशन दिया जा रहा है। ये कहाँ से है? अब इसको लिखना है इनविटेशन फ्रॉम APS सुकना, आर्मी पब्लिक स्कूल सुकना का ये स्पोर्ट्स डे है, इसलिए उसका नाम लिख लिया। यानी कि फंक्शन आर्मी स्कूल में होने वाला है, आर्मी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे है। उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल सुकना कॉर्डली invite you to the annual sports day. फंक्शन मेंशन कर दिया पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद. अब मेंशन किया डेट, डे कौन सा हो रहा है, टाइम बता दिया, कहाँ पे होना है ये बता दिया. अब चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, चीफ गेस्ट के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है. इसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही लिखेंगे, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे लिखा है चेयरमैन ऑफ योर स्कूल, नाम नहीं दिया तो आप नाम किसी भी आदमी का लिख सकते हैं. लेकिन चूँकि ये आर्मी स्कूल है, कोई आर्मी से ही रिलेटेड पर्सनालिटी यहाँ के चीफ गेस्ट होंगे, यानी कि चेयरमैन होंगे जो कि ये फंक्शन में प्रिसाइड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है उनका कैडर, ओके, उनका पोजीशन लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है और मेंशन करना है कि वो होने वाले हैं चीफ गेस्ट. उसके बाद RSVP, ये मस्ट है, कार्ड फॉर्मेट में RSVP ज़रूर लिखना है. तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन का ऑफिस का नंबर दे सकते हैं ताकि कोई और जानकारी चाहिए जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया है तो उन लोग कॉन्टैक्ट कर सके ऑफिस में. ठीक है, और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो तो RSVP के नीचे लिखना है, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे छोटे फॉन्ट्स में. ऑलराइट, तो ये कंप्लीट हो गया आपका कार्ड फॉर्मेट. तो इसमें लेटर आप नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप एक इंसान को नहीं बुला रहे हैं और ना ही छोटे ग्रुप को बुला रहे हैं. पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में आएंगे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर में आएंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये कार्ड फॉर्मेट में ही होगा. जब हम लोग बहुत लोगों को बुलाएंगे जहाँ पे पर्सनली नाम नहीं लिखना है, तब हम लोगों को कार्ड फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है. तो ये कंप्लीट हो गया आपका इनविटेशन थ्रू कार्ड, और 4 आउट ऑफ 4 आपको इसमें मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम अ फ्रेंड टू अटेंड अ डांस पार्टी, सेंड अ रिप्लाई कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन. यह है क्वेश्चन. और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जो हम लोगों को फॉर्मेट के लिए ज़रूरी है वो देखते हैं. सेंडर का नाम है नहीं, ओके, हम लोग इसको इन्वेंट करेंगे, खुद से लिखेंगे. नेक्स्ट, किस लिए इनवाइट कर रहे हैं, डांस पार्टी के लिए, ये दिया है. किसको? फ्रेंड्स को, मतलब इनफॉर्मल इनविटेशन. उसके बाद में क्या करना है, हम लोगों को रिप्लाई लिखना है, रिप्लाई कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, मतलब जो इनविटेशन हमको मिला है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग उस पार्टी में जाएंगे. तो चलिए कैसे लिखना है इसका रिप्लाई हम लोग देखते हैं. सेंडर्स एड्रेस पहले लिखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई भी इन्वेंट कर दीजिए. डेट लिख दीजिए, उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर संजीवनी, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है इसलिए मैंने ये नाम लिखा. आप XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, या फिर कोई और नाम भी लिख सकते हैं. लेकिन सोचने में टाइम मत लगाइए कि नाम अच्छा सा सोच के लिखूँगा या लिखूँगी, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. और कोशिश कीजिए, मैंने तो लंबा चौड़ा नाम ले लिया है, कोशिश कीजिए कि आप छोटा नाम लिए, जैसे कि जैक और राम, सीता. ओके, 3-4 वर्ड में आपका नाम रेडी हो जाएगा. मैंने लंबा लिया है, ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पहले तो थैंक्स करना है, जो भी आपको इनविटेशन मिला उसके लिए, किसी ने आपको याद किया, बुलाया पार्टी में, इसलिए उसको थैंक्स देना है. उसके बाद उसको बोलना है कि कब पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसके लिए आपको इनविटेशन आया. आपको ये नहीं लिखना है कि आप आ रहे हैं पार्टी में डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता. आपको मेंशन करना है किस लिए आपको बुलाया गया था, वो इवेंट कब है, किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू था, कहाँ पे होने वाला है. ये सब लिखने के बाद लिखना है आई विल सर्टनली प्रेजेंट फॉर द फंक्शन, में उस फंक्शन में ज़रूर आऊँगा या आऊँगी. ठीक है, बिना ये डिटेल्स मेंशन किए आप नहीं लिख सकते हैं कि आप आएंगे. ओके, ये क्रॉस चेकिंग के लिए होता है कि हाँ, जो फंक्शन दिया है, जो डेट, टाइम, वेन्यू दिया है वो एग्जैक्ट है, वो करेक्ट है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है. ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगेगा, आपको लिखना है इवेंट, डेट, वेन्यू, टाइम, बस इतना ही. उसके बाद येस और नो. येस और नो मीन्स आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन, आई रिजेक्ट द, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी. ओके, पोलाइटली रिजेक्ट करना है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स. यहाँ पे चूँकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. सी यू इन द पार्टी, और क्लोज कर दिया विथ लव निहारिका। ओके, तो ऐसे लिखेंगे रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस, रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे इवेंट सेम है लेकिन आपको रिग्रेट करना है, रिजेक्ट करना है इनविटेशन को। तो इसको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करती हूँ, अच्छे से सुनिए। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम अ फ्रेंड टू अटेंड अ डांस पार्टी, सेंड अ रिप्लाई रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू योर इलनेस। आप बीमार हैं इसलिए इस पार्टी में नहीं जा सकते। आपका नाम क्या है ये नहीं मेंशन किया, आप कहाँ रहते हैं ये भी मेंशन नहीं किया, बस मेंशन किया है डांस पार्टी और आप नहीं जा सकते डांस पार्टी में क्योंकि आप बीमार हैं। चलिए इसको लिखते हैं इस तरीके से। सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन सैल्यूटेशन। अब लिखते हैं थैंक्स। ओके, पोलाइटली थैंक्स लिखते हैं क्योंकि हमको याद किया अब उनके खुशी के दिनों में। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बी इन्वाइटेड टू द डांस पार्टी ऑन 10th January 2023 Tuesday at 9 PM Hotel Shama, but I would regret to say that I will not be able to make it to the party because of my poor health. आपको जब रिजेक्ट करें तब भी लिखना है कि कौन सी पार्टी में आपको बुलाया गया था, वो पार्टी कब होने वाला है और किस दिन को होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। ये सब मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है इसलिए आप नहीं आ सकते वो पार्टी अटेंड करने के लिए। इसको डायरेक्टली आप नहीं लिखेंगे। आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आई एम नॉट हैविंग गुड हेल्थ, देयरफॉर आई एम रिजेक्टिंग द इन्विटेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ओके, आई विश टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स इन सम अदर इवेंट, मैं अपने दोस्तों को किसी और इवेंट में ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ये ज़रूर ऐड करना। और विथ रिग्रेट, यहाँ पे विथ लव वगैरह नहीं लिख, आपको रिग्रेट लिखना है क्योंकि आप उस फंक्शन में नहीं जा सकते। फॉर्मल हो या इनफॉर्मल आपको ये लिखना है विथ रिग्रेट। अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं उस वक्त लिखना है जस्ट आपका नाम। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ कंफ्यूजिंग, ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन इन्वाइटेड एज अ जज टू एन इंटर स्कूल डिबेट कॉन्टेस्ट, सेंड अ रिप्लाई कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन। तो यहाँ पे आपको जज बन के बुलाया है फंक्शन में, फंक्शन का नाम है इंटर स्कूल डिबेट कॉन्टेस्ट। डिबेट कॉन्टेस्ट में आपको एज अ जज बुलाया गया है, तो आपको लिखना है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस इनविटेशन को। तो कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। एड्रेस नहीं का इसलिए हम लोग DPS सिलीगुड़ी लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं। अब लिखते हैं इनविटेशन। याद रखिए जब भी इनविटेशन का रिप्लाई लिखेंगे और अगर वो फॉर्मल हो, ये जज हैं आप तो ऑब्वियसली फॉर्मल हैं, तो आपको लिखना है उस पर्सन का नाम जिसको इनवाइट किया गया है और ये लिखा जाएगा थर्ड पर्सन में। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये रिवीजन वर्क है आप लोगों का। देखिए सपोज़ मैं हूँ मोहित शर्मा, तो मैं लिखूँगी मिस्टर मोहित शर्मा हैज़ रिसीव्ड द इन्विटेशन टू जज द इवेंट ऑफ इंटर स्कूल डिबेट कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 20th February 2023 मंडे एट 10 AM आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना। यहाँ पे देखिए क्या क्या मेंशन किया, मुझे मिल रहा है इनविटेशन, लेकिन मैं ये नहीं लिखूँगी कि आई हैव रिसीव्ड, मुझे लिखना है मिस्टर मोहित शर्मा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इन्होंने क्या किया, रिसीव किया इनविटेशन को जज बनने के लिए, और इवेंट है डिबेट कॉन्टेस्ट, बहुत सारे स्कूल के बीच में डिबेट कॉम्पिटिशन होगा, 20 तारीख को होने वाला है जो कि मंडे है और 10 बजे शुरू होने वाला है आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना में। ठीक है, ये हो गया इवेंट का डिटेल्स। अब आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो मेंशन करना है, तो यहाँ पे लिखना है सेकंड और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, ही एक्सेप्ट्स द इनविटेशन एंड कंफर्म्स हिज प्रेजेंस। वो ज़रूर आएंगे इनविटेशन में और वो आएंगे इसका कंफर्मेशन वो इस लेटर के थ्रू देते हैं मोहित शर्मा। जैसे कि मैंने आपको बोला था इनफॉर्मल लेटर में विथ लव लिखा जाता है, लेकिन फॉर्मल में सिर्फ आप सिग्नेचर करके छोड़ देंगे। बस यही है आंसर, यही है रिप्लाई। और इसके लिए आपको मिलेगा 4 आउट ऑफ 4 अगर ये सब मेंशन करते हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको रिजेक्ट कैसे करते हैं इनविटेशन को फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मल वे में कैसे इसको रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन है, यू हैव बीन इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट टू प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन ऑफ DAV पब्लिक स्कूल करनाल. Send a reply regretting your inability to attend the function due to some urgent political development. तो यहाँ पे आपको बुलाया गया है चीफ गेस्ट बनने के लिए एनुअल फंक्शन में। स्कूल का नाम है DAV, स्कूल का नाम है DAV स्कूल करनाल, और आप नहीं जा सकते इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए सेंटर्स एड्रेस हम लोगों ने दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल। देखिए क्वेश्चन में जो एड्रेस लिखा है उसी को लिखना है आपको अपने आंसर में भी। डेट लिख दिया मैंने। अब ये भी फॉर्मल इनविटेशन है, ओके, फॉर्मल रिप्लाई है, इसलिए जिसको बुलाया गया है उसका नाम लिखेंगे बस। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मोहित शर्मा हैज़ रिसीव्ड, उनको मिला है द इन्विटेशन, उनको इन्विटेशन मिला है टू प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन। किस लिए? क्योंकि उनको चीफ गेस्ट बनना है एनुअल फंक्शन में DAV का, जो कि करनाल में है, और ये होने वाला है 20 जनवरी मंडे 10 बजे स्कूल में ही, लेकिन आप नहीं जा सकते। ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं जा पाएंगे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गए हैं। विथ रिग्रेट, अगर आप नहीं जा पाते तो हमेशा लिखना है विथ रिग्रेट, और आपका नाम फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, ये सेक्शन को आपको देखना है, विथ रिग्रेट लिखना है जब आप नहीं जा पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बस यही सब छोटी छोटी बातों को याद रखिए और फुल मार्क्स पाइए इन्विटेशन और रिप्लाई में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ASL में फोकस करूँगी मैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल। Thank you everyone.